विषय क्या मुख्य मुद्दा रहा और किस तरह से अब कोरोना से लड़ने के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई? जी देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोरोना के रोकथाम और बचाव और उसके लिए प्रारंभ से ही बहुत संवेदनशील रहे हैं, और उसी के तहत बहुत सारी जो वीसी सम्मान आयोजित किए, उसी के साथ में कल 2 बार ये वीसी आयोजित हुई थी। इसमें सर्वप्रथम तो मुद्दा ये था कि जो निजी अस्पताल हैं उनमें भी कोरोना बचाव के संबंध में जो उपचार वाली जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाए। तो हमने कुल मिलाकर के जिले में बालोतरा और बाड़मेर में जो निजी अस्पताल है उनमें 2 नोडल ऑफिसर हमने नामित कर दिए हैं। पहली बात तो उनका चिन्हीकरण कर लिया निजी अस्पतालों का, और इसके अलावा निजी अस्पतालों में एक समन्वय बनाए रखने की दृष्टि से बाड़मेर में ADM को और बालोतरा में वहाँ के SDM को समन्वय का अधिकारी बनाए। इसके अलावा जो मेडिकल की ओर से भी जो डिप्टी CMHO है उनको भी सहायक नोडल ऑफिसर नामित किया है। ये बेसिकली निजी अस्पतालों में समन्वय स्थापित करेंगे, वहाँ पर बेड्स की उपलब्धता, उपचार की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। यद्यपि अभी बाड़मेर में हम ये कह सकते हैं कि अभी वो हालात पैदा नहीं हुए हैं जिनमें निजी अस्पतालों में जाने की आवश्यकता पड़े। जैसा कि आपको विदित है, बाड़मेर में पूर्व में हमने 100 बेड का जो अपना जनरल हॉस्पिटल है उसमें 100 बेड का जो कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वो हमने स्थापित कर दिया था, और उसके अंतर्गत उपचार की जो कार्रवाई वो चल रही है। कल दिनांक तक लगभग 80 जो बेड है वो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। पर चूंकि जिस तरीके से दीपावली और पंचायत राज चुनाव और उस तरीके से जो लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, उस वजह से कोरोना के संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, इसलिए हम पूर्व में ही ये सारी जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। कल जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, PMO, CMHO, सभी डिप्टी CMHO के साथ में जो बात वार्ता करके, और हमने मोटे तौर पर यह निर्णय लिया है कि कोरोना बचाव और उसके उपचार और रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो बाड़मेर में अपना जनरल हॉस्पिटल है उसमें चूंकि ग्राउंड फ्लोर पे पहले 100 बेड हैं, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर पे 100 बेड हैं। पहली बात तो अगर इस प्रकार के अगर संक्रमण कोई अगर फैलता है तो यथासंभव जो उपचार का कार्य है वो जनरल हॉस्पिटल में ही सुनिश्चित किया जाएगा। फिर ये भी सुनिश्चित किया है कि जो दूसरे जो मरीज हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन लोगों के लिए एक जो OPD हॉस्पिटल है वो बेसिकली जो गडरा रोड पे, जो हमने पहले जिसको कोविड केयर सेंटर के रूप में आइडेंटिफाई किया था, वहां पर एक तरीके से OPD संचालित की जाएगी वहां पर, ताकि जो आम मरीज है उसका वहां पर उपचार किया जा सके। तो इसलिए बाड़मेर में हम ऑलरेडी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की है उस समय अभी जो स्थिति है पूर्ण रूप से नियंत्रित है, नियंत्रण में है। और अभी एक तरीके से जो एक्टिव जो मरीज है उनकी संख्या लगभग 211 के करीब है जिले में। परंतु एक और जो कल राज्य सरकार की जो एडवाइजरी प्राप्त हुई थी जिसमें यह था कि और कोरोना बचाव के संबंध में जो धारा 144 लागू करने के संबंध में, वो भी हम आज आदेश जारी कर रहे हैं, और सायंकाल 6 बजे के बाद में वो आदेश प्रभावी होगा। और उसमें कुल मिलाकर के ये है कि निर्वाचन प्रक्रिया हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और राजकीय कार्यालयों, इसके अलावा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को छोड़ करके, यानी इन लोगों को छोड़ करके बाकी जो अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें बेसिकली धारा 144 को सख्ती से लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसमें 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो, जो मृत्यु संबंधी जो संस्कार है उसमें 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो, इसकी भी पालना सुनिश्चित कराने के लिए जो कार्रवाई है उस आदेश में समुचित रूप से उसके भी डायरेक्शन जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि आमजन के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और कोरोना का कोई संक्रमण जिले में नहीं फैले, इसके व्यापक बचाव और उपचार संबंधी जो कार्रवाई है वो सारी सुनिश्चित की जाए।